आज़बल रहीम बसमिनद मजलहम माह रमज़ान के हवाले से ये प्रोग्राम जारी हैं अल्ला ताला से इस बात की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताली हम सबसे ये प्रोग्राम कबूल फ़रमाए और नाज़री जहाँ जहाँ पर भी हिदायत टी वी के नाजरीन जहाँ जहाँ पर भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं अल्लाह ताली हम सबसे अहसन वबूल मंजूर फरमाए और ये जो बाकी दिन रह गए माह रमज़ान की बरकतें और शदतें वो हमें अता फरमाएँ आज कुछ बातें इफ्तार देने के हवाले से मैं बयान करूँगा कि उनका क्या अजर है क्या सवाब है अमूम माह रमज़ान के अविर में बड़ा ज़ोर शोर से ममिन आपस में अफतारियाँ देते हैं और इफ़ारी देने का बड़ा ज़ोर शोर होता है बल्कि बार दफ़ा ऐसा भी होता है हम जब तबलीग पर गए होते हैं तो पाँच पाँच छः छः जगह से इफ्तारी की दावत आती है ये आखिर माह रमज़ान में बल्कि मुमकिन है बसाओकत माह रमज़ान के अव्वल रातों में मुमकिन है बसाओत या कोई दावत ना हो लेकिन आखिर में पाँच पाँच छः छः अफराद की तरफ से दावतें होती हैं तो इफ्तार का क्या सवाब है और क्या अजर है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में कुछ रिवायात बयान करूँगा मेरे सामने ये जाम शिया है जिसमें तेईस रवायतें हैं मोमिन को इफ्तार देने के बारे में और इफ्तार की फजीलत और सवाब के बारे में पैगम्बर राम इस्लाम ने जो माह रमज़ान के हवाले से जो पहला खुतबा दिया उस खुतबे में पैगम्बर गिराम इस्लाम ने इफ्तार देने का तस्करा फरमाया और उसमें ताक़द फरमाई कि जो शख्स भी एक मोमिन मुसलमान को इफ़ार दे तो अल्लाह ताली उसको एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब उसके नाम अमल में लिखेगा और गुजशत तमाम गुनाहों का अल्लाह ताला माफ़ कर देगा तो किसी साहबी ने कहा यार रसूल अल्लाह हम सब के पास तो इतने माल नहीं हैं कि हम ममिन को दावत करें और इफ़ार के लिए बुलाएँ तो आपने फ़रमाया कि अल्लाह ताली बहुत करीम है जिसके पास कुछ नहीं है तो वो अगर एक जब पानी के अंदर दूध के अंदर थोड़ा सा पानी मिला के ले के आ जाएँ और लोगों को थोड़ा सा वो भी पिला दें तो अल्लाह ताला उसको भी वो इफ्तार का पूरा अजर जो है वो अता करेगा जो हज़ारों रुपए लगाकर लोग इफतारियाँ कराते हैं तो जो फ़कराय फकर, मोमिन एक खजूर ला के किसी मोमिन के सामने पेश करें कि मुसलमान मेरे ऊपर एहसान कर और मेरी इस खजूर के साथ रोज़ा इफतार कर अल्लाह ताली उसको भी वही अजर अता करेगा जो बड़े बड़े आ, जो बेहतरीन किस्म के खाने पका कर इफ्तारियाँ देने वालों को अल्लाह तता करेगा अलबा हर चीज़ का अमल का जो अजर है वो तो अखलास के साथ है ज़्यादा खाने पकाना कोई अजर का बायस नहीं होता है हाँ अगर नीयत ये हो कि ममिन को मैं अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊँ जितना अच्छा खाना मोमिन को खिलाएगा इस नीयत से खिलाए कि मोमिन खुश होगा उसको बेहतरीन किस्म की गजा खिलाएँ तो ये उसका और ज़्यादा अजर होगा उसका मकाम होगा तो ऐसा नहीं है कि अच्छा खाना खिलाना कोई इस्लाम में कोई बुरी चीज़ है नहीं बल्कि अच्छा खाना खाना इसलिए से हो कि मोमिनी खुशहाल हों बेहतर से बेहतरीन में खाना खिलाऊँ तो उस सूरत में आपका वही अजर होगा जो जो है वो अल्लाह ताला ने मोमिनी के लिए मुक्र किया है जनाब सुदैर इमाम अलैहिस्सलाम के एक प्यारे सहाबी थे तो वो एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो इमाम में ने फरमाया कि ए सदैर क्या तू नहीं चाहता कि हर दिन हर रात में दस अल्लाह के बंदों को आज़ाद करो और वो भी हजरत इस्माइल नबी की औलाद में से हो उनको आज़ाद करो तो कहा कहाबना रसोल्ला मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं दस ग़ुलाों को ख़रीदूँ और आज़ाद करूँ तो फरमाया कि क्या तू हर रात इस काम को पसंद नहीं करता कि हर रात में नौ गुलामों को आज़ाद करे तो कहा जब जबना रसुल्ला मेरे अन्... मेरे पास इतनी ताकत नहीं कहा अच्छा आठ गुलामों को आज़ाद कर दो कहा वो भी नहीं कहा सात छः पाँच चार का नाम ने फिर आखिर मेंद फरमाया कि क्या तू एक गुलाम को भी आज़ाद नहीं कर सकता कहा जब अबना रसुल्ला मेरे पास कहाँ से इतने पैसे तो कहा मेरी मुराद ये है कि अगर तू दस मुसलमानों को इफ़ार की दावत देगा तो दस गुलाम जो हजरत इस्माईल नबी के औलाद में से हों उनको आज़ाद करने का सवाब तुम्हें अल्लाह ताला अता करेगा और अगर नौ मोमिन को दावत करे तो नौ गुलाम को आज़ाद करने का अगर एक मोमिन को दावत करे तो एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब। मेरे मुराद ये थी मेरी मुराद ये नहीं थी कि तुम वाकन जो है गुलाम को खरीदो यानी तुम्हें अल्लाह ताला यही अजर अता करेगा जो एक मोमिन को खाना खिलाने पर अल्लाह ताला आपको जो एक ग़ुलाम आज़ाद करने का अजर है वो आपको अता करेगा और एक तो बड़ी अजीब हदीस है हजरत इमाम सादिक ने हजरत इमाम अलैहिस्सलाम से ये रिवायत की है और उन्होंने रसूल सल्लम की प्यारी ज़बान से ये जुमला नक़ल किया है कि जो शख्स भी किसी मुसलमान को रोज़ेदार कोफ़ार कराएँ तो अल्लाह ताली उस रोज़ेदार को जो अजर अदा करेगा वही इस इफ्तार कराने वाले को भी वही अजर अता करेगा और रोजेदार के अजर में भी हरगेज कमी नहीं होगी और उसके साथ साथ इस खाने के जरिए से जो वो जो आपने खाना खिलाया है तो जो इबादत वो बंदे खुदा करेगा उसमें भी आपको मुकम्मल उस इबादत का भी वाब अता करेगा और उसको भी वो शवाब अता करेगा हरगेज ये नहीं होगा कि आपका सवाब उसकी तरफ और उसका सवाब आपकी तरफ़ आ जाए ऐसा नहीं है अल्लाह ताला का करम इतना वसी है कि उसको भी मुकम्मल अजर अदा करेगा और आपको भी मुकम्मल हजर अदा करेगा एक और हदीस में पैगम्बर अक्रम ने फरमाया कि जो शख़्स किसी को पैसे दें हज करने के लिए भेजें जाओ मेरी तरफ़ से पैसे लो और हज करो या किसी मुजाहिद को जहाद पर जाने के लिए उसकी इमदाद करें या उसके घर वालों की मदद करे वो मुजाहिद जहाद पर गया हुआ है जहाँ हजी हज पर गया हुआ है उसके बच्चों को जो काम काज की ज़रूरत है जो मसल उसके जो अमूर है उसकी निगरानी करें और उसके अमूर की हिफाजत करें या कोई शख्स किसी मुसलमान को इफ्तार कराए फरमाया कि जितना उस इंसान को अल्लाह ताला अजर अदा करेगा इसको भी वही अजर घर बैठे वह अजरदा करेगा और ऐसा नहीं है कि उसके अजर में कोई कमी हो जाए और इसके अजर में कोई ज़्यादा नहीं दोनों को अल्लाह ताली बराबर अजर अदा करेगा में शेख मुफीद रहमतुल्लाह लाई ने एक रिवायत नकल की बहुत ही प्यारी और अजीब व गरीब रिवायत है जनाबरारा कहते हैं कि मैं हजरत इमाम सदक सलाम की खिदमत में हाज़िर था तो हजरत उस वक़्त कोफ़ा तशरीफ़ लाए हुए थे कोफे से तकरीबन चार पाँच किलोमीटर दूर एक जगह है उसका नाम है हीरा तो हीरा में हजरत का कयाम था तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ जब मैंने नमाज असर पढ़ी तो मैंने कहा जबना रसुल्ला मुझे एक काम है अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं जाना अभी आपसे रुख्सत चाहूँ और मैं चला जाऊँ तो कहा कि क्यों तुम्हें क्या जल्दी है तुम क्यों जाना चाहते हो कहा कि मैंने आपके मुहबों को मैंने आज इफ़ार की दावत की हुई है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं चला जाऊँ ताकि जैन के लिए मैं उनको जा अच्छा सा इंतज़ाम कर सकूँ तो इमाम सदक जिनकी मजलिस में बैठना कायन की सबसे बड़ी इबादत है जिनकी एक निगाह उनकी तरफ एक निगाह करना कायनात की सबसे बड़ी इबादत है जब जनाब जुरारा ने ये कहा तो इमाम साद ने तीन मरतबा फरमाए दौड़ो 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 है जोराना जल्दी जाओ मेरे मुहब्बों को तूने बुलाया हुआ है घर में और उनको इफ्तारी की दावत की हुई है फरमाया कि जाओ जल्दी जाओ और मेरे मुहब्बों को दावत करो और उनको खाने का इंतज़ाम करो फरमाया कि अगर कोई शख्स एक मोमिन को इफ्तार कराए सुन लें अज़ीज़ा ने गिरामी सुन लें क्या क्या इन है अल्लाह ताली के रम़ान मुजस्म रहमत है बरकत है। एक मोमिन को इफ्तार कराए माहिर रमजान में अल्लाह ताला उसके अगले उस दिन तक के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है और जो दो मोमिनों को इफ्तार कराए तो अल्लाह ताला के ऊपर वाजिब हो जाता है कि उस इंसान को, को जन्नत में दाखिल करें अल्लाह अकबर ये माहिर है माह रमज़ान की बरकतें एक मोमिन को इफ्तार कराएँ अगले साल उस दिन तक अब इंतज़ार ना करिए कि हम 25 रमज़ान को इफार कराएंगे हम 28 को इफ़ार कराएंगे हम उनतीस को इफ़ार कराएंगे नहीं बल्कि पहले रमज़ान को आप इफ़ार कराएँ तो जितना आप जल्दी इफ़ार कराएँगे उतना आपका मकाम बालाता होगा और एक और हदीस में इमाम सादिक ने फरमाया कि जब कोई मोमिन किसी मुसलमान मोमिन को इफ़ार की दावत देता है तो अल्लाह ताली सत्तर हज़ार मलाइा को भेजता है कि जो उसके लिए उस रात अगले साल की उस रात तक 25 रमज़ान को हमने इफ्तार कराया है तो अगले साल 25 रमज़ान की रात तक वो मलाइका तुम्हारे लिए अल्लाह के बारगाह में तस्बी व तकदीस करते रहते हैं तेरे लिए तुम्हारे लिए दुआएं करते रहते हैं ये है अल्लाह ताला का करम के जो एक मोमिन को इफ्तार देने से इंसान को मिलता है और चे जाए कि मसला कोई सौ आदमियों को इफ्तार कराए कोई बीस आदमियों को इफ्तार कराए जितनी जितनी ताकतों बढ़ें और इस अज़ीम इबादत में अपने आप को शामिल करें एक और रिवायत है कि फरमाया मोमिन को अल्लाह ताला पैगंबर अकरम जो चांद एक वसीयतें फरमाई मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में और चूंकि मैं भी दोबारा मैं ये बता दूं कि चूंकि खुले हवा में और बारगाह में हज़रत मासूमा की बारगाह में खुले हवा में स्टूडियो से बाहर ये हजरत के हर में मतहर में आज़ाद फज़ा में ये प्रोग्राम हो रहा है लिज़ा बार कुछ ना कुछ शोर शराबा भी होगा हवा भी है सब चीज़ें यहाँ पर हैं तो आप इन शाल इन चीज़ों का ख्याल रखिए फरमाया कि मोमिन को तीन खुशियाँ होती हैं एक लिकाऊ लिखवा एक मोमिन की खुशी है रोज़ेदार मोमिन को इफतार कराना खुशी होती है मोमिन को रोज़ेदार मोमिन को इफतार कराना और एक मोमिन की खुशी का टाइम है नमाज़ तहजद पढ़ना अल्लाह अकबर यह है पैगम्बर अक्रम ने फरमाया कि मोमिन की जो करीम होता है उसकी खुशी लोगों को खिलाने में होती है और जो लहीम होता है उसकी ख़ुशी खाने में होती है तो खाने वाले ना बनिए बल्कि हर मुसलमान खिलाने वाला बन जाए हर मुसलमान आगे बढ़ने वाला बन जाए लहजा पैगम्बर अक्रम इतनी ताक़ीद करते थे कि हर बंदा इफ्तार कराए कुछ नहीं है ना तो एक जग पानी का भर लो ले जाओ मस्जिद के दरवाजे पे और मुसलमान जो वहाँ पर खड़े उनको बोलो अ मुसलमान मेरे ऊपर एहसान कर ये मैं हकीर का एक गिलास पी कर मुझे इफ्तार कराने वालों में इफ्तार देने वालों में शामिल फरमा शामिल कर दे ताकि मैं भी क़्यामत के दिन जय वो ये इफ्तार हासिल कर सकूँ कि मैंने एक मुसलमान को इफ़ार कराया अगर मेरे पास इस्तात होती तो मैं अच्छा खाना खिलाता और बल्कि ताक़द है माह रमजान में कि अपने बच्चों को भी अच्छा खाना खिलाएँ माहिर रमज़ान में वो खुश होंतार के लिए अच्छा इंतज़ाम किया जाए बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए अपने बच्चों के लिए आप इंतज़ाम करेंगे अल्लाह ताली उसके ऊपर वो भी इबादत है तो ममिन के इंतज़ाम करेंगे तो और क्या अल्लाह ताली आपको क्या हजरत आ करेगा और फरमाया किए ममिन को इफ़ार देना और मोमिन को खुश करना अल्लाह ताली की नज़र में ये रोज़ा रखने से ज़्यादा सवाब रखता है रोज़ा रखने से ज़्यादा सवाब यह है कि मोमिन को इफ़ार कराया जाए और मोमिन को खुश किया जाए तो आइए इन शाला हम भी इफ़ार कराने वालों में शामिल हो जाएँ और क्या अल्लाह ताली की रहमत है और क्या मेरे मौला की शान है कि ये माह रमज़ान तो मेरे मौला अली का महीना है कि जहाँ पर जिनके फ़ज़ाइल तो बयान ही नहीं किए जा सकते बशर की ताकत से बाल बालतार पूरी कायन में जो अफजल तरीन रोज़ा है वो ईद गदीर का रोज़ा है मैं अजीदानगर में अगरचे माह रमज़ान के मसाइल हैं माह रमज़ान की बातें हो रही हैं लेकिन सुन लें गदीर को भी याद करना ज़रूरी है मोलाली का महीना है तेईस रमज़ान मोलारी के मुनासबत गुज़र गई इक्कीस रमज़ान मौलारी की शहादत गुज़र गई अगर कोई शख्स इमाम सात सलाम ने फ़रमाया कि अगर कोई शख्स ईद गदीर के दिन एक मुसलमान को इफ्तार कराए इफ्तार की बातें हो रही हैं ना तो इसको याद रखें और इन शाह कोशिश करें कि इस साल हम ईद गदीर के दिन कम अज़ कम एक मुसलमान को इफ्तार कराएँगे फरमाया कि जो शख्स ईद गदीर के दिन एक मुसलमान को रोज़ा इफ्तार कराएँ फरमाया कि गोया उसने दस लाख अम्बिया दस लाख सद्दीक और शहादा दस लाख इन अलिया उल्ला को बुलाया अम्बिया को बुलाया सिद्दीकीन को बुलाया शहादा को बुलाया और उनको इफ्तार कराया एक लाख चौबीस हज़ार अम्बिया हैं इसी के बराबर सिद्दीकीन को बुलाया उन्हीं में एक लाख दस लाख अम्बिया और सिद्दीकीन और शहादा को आपने इफ्तार कराया हो और वो भी हराम के अंदर अल्लाह के हरम में बुला के उनको इफ्तार कराया हो ये सवाब है मौला अली के वो जश्न विलायत के दिन रोज़ा रखने का और इफ्तार करने का इफ्तार कराने का तो अजीज़ा ग्रामी इफ्तार कराना एक न सिर्फ़ इफ्तार कराना न सिर्फ़ ये कि आपको रिस्क में बरकत का बायस बनता है आपकी जान में बरकत का बायस बनता है बल्कि मोमिन का आपके घर में आना कोई और काम ना हो मोमिन जब आपके घर में आता है आपके दस्तरखान के ऊपर पाँच मिनट बैठता है तो आपके फरमाया कि वो जब उठेगा तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, तुम्हारी सारी बलाओं को वो ले कर चला जाता है और तुम्हारे घर से बाहर फेंक देता है और आता है तो अपना रिस्क खुद लेकर आता है तो अजीद ग्रामी एक दूसरे को इन शाला मौका दें इफ़ार कराने का कोशिश करें कि जब वो इफ़ार कराएँ और एक और जो ताक़द है हजरत इमाम रजा आलाम से ये प्यारे हदीस है कि इफ़ार के टाइम पर एक रोटी अगर कोई इंसान किसी मोमिन फ़कीर को दे तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा और उसके नाम अमल में एक ग़ुलाम जो हज़रत अलैहिस्सलाम की ज़रूरीत में से है उसको आज़ाद करने का सवाब उसके नाम अमल में लिखेगा तो इन श्रा तशिश कीजिए कि ये माह रमजान भी हम कोशिश करें अगर कहीं जो आप लोग दूर रहते हैं वतन से दूर रहते हैं बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं या हिंदुस्तानी भाई हैं जो अपने वतनों से दूर रहते हैं तो वहाँ पर भी एक दो दोस्तों को वहाँ बुलाएँ आपके दूर नज़दीक में जो रहने वाले भाई हैं दोस्त हैं उनको अजीजों को बुलाएँ उनको इफ़ार पर बुलाएँ अगर वहाँ पर कोई इम्कान नहीं है आपके लिए कोई मुसलमान नहीं है वहाँ पर आपका कोई मोमिन भाई वहाँ पर नहीं है तो अपने इलाके में लोगों को पैसे भेज दें और उनको बोलें कि मेरी तरफ से ये इफ़ारी का इंतज़ाम किया जाए ताकि मैं भी इफ़ार कराने वालों में शामिल हो सकूँ तो ये है फजीलत माह रमज़ान के रोज़े को इफ़ार कराने के बारे में और उसके अलावा वो रिवायात जो में जिन में मैं जिनमें पहले मैंने इशारा किया था मोमिन को पानी पिलाना जब आप इफ्तार करते हैं तो ज़रूर पानी भी पिलाते हैं वो भी इनमें शामिल करें मोमिन को मीठी चीज़ खिलाना उसके बारे में भी रिवायात है वो भी इसमें आप शामिल करें जो हमारे यहाँ इफ्तारी में हतमंद मीठी चीज़ भी शामिल होती है बेहतरीन किस्म के इंतज़ाम होते हैं हर बंदा ये कोशिश करता है कि मैं बेहतर से बेहतर जो मेरी ताकत में है मैं, मैं वसाइल फ्राहम करूँ और मोमिन को इफतार कराऊँ तो इन ये हर चीज़ का अजर होता है और हर चीज़ का अलग अलग से अल्लाह ताला आपको अजर देगा और इन ताला और फरमाया कि जो शख्स भी किसी मोमिन को इफ्तार कराए तो अल्लाह ताला उसको पेट भरा हुआ और सैराब उस दिन हौज कोसर के ऊपर आएगा के और उसके बाद हरगज़ उसको तशनगी और प्यास महसूस नहीं होगी तो इफ़ार कराना भी अल्लाह ताला का एक ख़ास इमाम है और जो है ये तोहा है कि इन शा ती आप जो है इसको ज़रूर जो है वो अंजाम दें और साथ साथ माह रमजान में कुछ कोशिश करें अब आखिरी जो एजाम रह गए हैं इन में ज़रा और तोज्जो करें एक आयत जो आप कुरान करीम की पढ़ेंगे तो इन आपको अल्लाह अल्ल पांच कुरान का सवाब अता करेगा कोशिश करें कि ये जो दो तीन दिन रह गए माह रमजान के इन में आप हद अकल सौ मरतबा कुलवल्ला पढ़ लें सौ मरतबा सुर इन्ना अनजलना पढ़ लें सौ मरतबा मसिन छोटी छोटी सूरतें हैं उनको पढ़ लें ताकि आपके जो वो अजीम फ़जाइल हैं माह रमज़ान की बरकतें हैं वो आपको नसीब हों आखिर में मैं जो है वो सत्ताईस माहिर रमजान की दुआ का भी शवाब आपकी खिदमत में बयान कर दूँ अलबत ये जो सवाब मैं आपको बयान कर रहा हूँ ये मैं इकबालमाल से लिखा है इकबालमाल में जो दुआएँ हैं वो मफाती की दुआओं से ज़रा मुख्तलि हैं तो ये सवाब जो इकबालमाल के अंदर दुआएँ हैं उनके ऊपर हैं और फरमाया कि जो शख़्स भी सत्ताईस माह रमज़ान की दुआ पढ़ेगा अल्लाह ताली अवल दुनिया से क्यामत तक के तमाम ममिनिन को खाना खिलाने का स्वाब उसके नाम अमल में लिखेगा और अव दुनिया से क्यामत तक के तमाम प्यासों को पानी पिलाने का सवाब उसको लिखेगा और अवर दुनिया से क्यामत तक के ममिन को लिबास पहनाने का सवाब आपके नाम अमल में लिखेगा बस मैं यहीं तमाम करता हूँ वालेक वरहत लाला वबरकू